हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। ये मेरी फ्रेंड हिमांशु है, इनको तो आपने बहुत बार देख चुका है मेरे ब्लॉग में, मतलब देखने को मिल गई है। सो हम जा रहे हैं अभी कॉलेज बस स्टैंड से सीधे जा रहे हैं ना, कॉलेज क्लास 10 बजे है तो जल्दी जल्दी भाग रहे हैं हम। कुछ मेरी फ्रेंड आगे भी जा रहे हैं, दीदी और एक फ्रेंड। हाँ हाँ, आपकी ओर ही कर रही हूँ मैं अब तो। मेरी फ्रेंड और मेरी दीदी से मिलो। गाइज, ये रही मेरी फ्रेंड तन्नु और ये है दीदी, इनका नाम है संजना। ये एमए के स्टूडेंट है, ये तो मेरी क्लासमेट है, इनको तो आप जानते ही हैं, तन्नु। ये हमारे पीछे वाले फ्रेंड है, ये मोनिका और सोनिया है और उससे पीछे कविता है। ये सारे मेरे क्लासमेट हैं। ये आगे हम चल रहे हैं, अभी हम कॉलेज निकलने जा रहे हैं। निकलने जा रहे हैं, मतलब निकलने मतलब ऐसे ही जा रहे हैं, बस मस्ती करने, बाकी नहीं पढ़ने ही नहीं जाते हम वैसे भी। सो गाइस, ये रहा हमारा पुल, हमें पुल से क्रॉस होके जाना पड़ता है कॉलेज। ये देखो कुछ पानी भी, ये देखो पानी 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 सानी सानी जो भी है, ये देखो। गन्नू बाबा जी का मंदिर, गणेश भगवान, आई मीन मैं बोलती हूँ गन्नू बाबा जी। गाइस, ये हमारे भगवान जी हैं, शिव भगवान जी का मंदिर है। ये रास्ते में ही पड़ता है, जब हम कॉलेज जाते हैं तो हमें रोज दिखते हैं और हम जय भी करते हैं। ये देखो, मतलब कभी आराम से दिखाऊंगी आपको अंदर से भी और बाहर से भी। अभी तो फिलहाल हम कॉलेज जा रहे हैं, हमारे को देर लगी है सो करके नहीं दिखा पा रही हूँ। फाइनली गाइज, वी रीच्ड एट कॉलेज एंड आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो हैप्पी बर्थडे शिवानी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे एंड मैनी मैनी रिटर्न ऑफ द डे। अब चलते हैं क्लास को, मेरी क्लास से 10 बजे सुबह भागते हैं। A few moments late. गाइज, फाइनली हमने क्लासेस वगैरह लगा दी है, अब जा रहे हैं हम पार्टी करने। ये है बर्थडे गर्ल, इसे मिलो। ये मेरी फ्रेंड शिवानी, आज इसका बर्थडे तो जा रहे हम पार्टी लेने से। बस तो चलते हैं अब। फाइनली गाइज, अब जा रहे हैं हम केक ओक्लॉक होटल पे पार्टी करने। ये रहा हमारा होटल। अगर आप भी यहाँ पे आना, आपको अगर यहाँ पे आना है तो इसी होटल में जाए, बहुत अच्छा होता है। हमें यहाँ के बर्गर बहुत अच्छे लगते हैं। ये कुछ इस तरह का है। 5 minutes later. अभी गाइज हम कर रहे हैं बर्गर का वेट, बर्गर ही नहीं आ रहा यार, क्या है यार? अभी तक नहीं आए। ये देखो इसकी शरारती भाई, देखो। गाइज, ये देखो फाइनली हमारे बर्गर आ चुके हैं। ये मेरा है, ये पता नहीं ये, और ये मेरी पेस्ट्री है। मैं दो दो चीजें खाती हूँ बिकॉज मेरा पेट थोड़ा ज्यादा बड़ा है ना, इनका छोटे छोटे, इनके इतना ही आता है, एक बर्गर से चल जाता है इनका। ये मेरी बर्गर और पेस्ट्री, यमी यमी। गाइज, पार्टी शार्टी तो होगी, आगे हम खा के मजा कर लिया। हाय, मजा आ गया आज, इतने दिनों बाद खाया। कैन सी दिस ग्रीनरी, वाओ, अमेजिंग है, अमेजिंग। गाइस, तो हमें खड़े होके जाना पड़ रहा है, हमें सीट ही नहीं मिली। आज इतनी ज्यादा रश है ना, देख सकते हो आप, दिख रहा होगा। गाइस, ये देखो बकरियां भी आ गई बस में। ये देखो आज हमारी बस में, बकरियां भी ट्रेवल कर रही है। देखो भाई कितनी प्यारी है, दोनों है ना। गाइस, ये देखो गाइस कितनी भरी भरी बस है और बीच में देखो बकरियां है। ये देखो कैसी है। गाइस देखो, हिमाचल में कुछ भी पॉसिबल है। देखो बकरियां यार, हाथ खेते यार साइड, ये देखो कैसी कर रही है। मैं बाय बाय बकरियों, अब मैं उतर रही हूँ, हटो। गाइस, तो अभी मैं अपने घर पर पहुंच चुकी हूँ। ये देख सकते हो आप मेरा घर,
बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, सीरियसली गाइस बहुत ज्यादा। अब करूंगी मैं रेस्ट, खाना वाना खाऊंगी और रेस्ट। ए फ्यू मोमेंट्स लेट। तो गाइस कॉलेज से आके अब सिला रही हूँ मैं सूट, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर रेस्ट के बाद एकदम ही काम किया यार। तो गाइस सूट तो हो गया मेरा रेडी एंड अभी चला है पीछे काम, अभी करूंगी मैं ये वाला काम, इनके साथ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम कर लेती हूँ यार, बिकॉज ये भी थक जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखो ले जा रही है, और हमारे यहाँ ना सीढ़ियों का काम लगा है, पहले नहीं थी अब। तो गाइस अभी तो मैं चल रही हूँ फिलहाल इधर आगे, जैसे है ना खुद के पास, मतलब खुद जहाँ पे हम अपने पशुओं को रखते हैं, तो हम लोकल लैंग्वेज में खुद बोलते हैं, तो उससे पिछली साइड हमने डंगा वगैरह दिया है, तो वहाँ पे सीमेंट वगैरह लगाया होगा मे बी, तो उसमें बोला है मैं पानी लगाने को, पानी दे के आओ, तो हम जा रहे हैं और पानी दे के आ जाएंगे, उसमें क्या है। तो गाइस ये फर्श अंजू फेंक रही है इसमें पानी, ऐसे को ये डाला है ना फर्श इस टाइप, ताकि मतलब पानी अंदर ना जाए, सीधा यहाँ से होके निकले इधर तक, यहाँ से नीचे को, तो ये तो दे फेंक रही है अभी, इसमें पानी मतलब देना पड़ता है ताकि अच्छे से पक्के, फिर सीमेंट पक्का हो जाए, ऐसे ही बना कच्चा रहता है। 5 minutes later। तो गाइस अभी कर रही हूँ फिलहाल अपने ब्लॉग को एंड, बिकॉज अभी जा रही हूँ मैं घास को, घास लाते लाते शाम हो जाएगी बिल्कुल। सो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, एंड जो चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब भी कर देना, और मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।